आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद अरसलान अली एक नए सेक्टर एक नई वीडियो के साथ मौजूद है आपके साथ। आज हम जिस सेक्टर का विज़िट करेंगे वो है सरजानी 7A और बाकी इसके सब सेक्टर की प्राइसेस वगैरह भी जानेंगे और 7A का विज़िट भी करेंगे। तो पहले चलते हैं हम फाद भाई के पास, इस सेक्टर की तमाम प्राइसेस वगैरह और फैसिलिटीज़ वगैरह जानते हैं और सब सेक्टर के बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फाद भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। फाद भाई, सेक्टर 7A के बारे में क्या राय है, क्या मशवरा देंगे आप लेने के बारे में, बाइंग के बारे में और फैसिलिटीज़ के बारे में भी बताएँ कि 7A के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि सेक्टर कोई सा भी हो सिर्फ बजट के ऊपर होता है। सही, जिसका जैसा बजट है उसको वैसी वो चीज़ मिलेगी। अब आपने 7A की बात करी तो 7A में भी मुख्तलिफ रेट है। कमर्शियल पे आ जाएंगे बाज़ार पे अलग रेट हैं, कमर्शियल पे आएंगे उसके अलग रेट हैं। पहले हम छोटी कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। आप अगर इस पे आ जाते हैं 64 गज के ऊपर बाज़ार वाली पट्टी में तो इधर के रेट हैं थोड़े हाई। वैसे अगर आप 6 मीटर गली में आ जाएंगे, नॉर्मली कंपनी का मकान जो होता है कंपनी का 6 मीटर गली का, तो वो आपको कोई मिल जाएगा 30 से 32 लाख रुपए में। और अगर इसी को हम डिमोलिश के ऊपर ले भी जाएं? बिल्कुल, डिमोलिश पे अगर आप ले जाते हैं तो वो आपको 26 का भी मिल सकता है, 27 लाख का भी मिल सकता है, ऑल ड्यूज क्लियर के अंदर। और अगर यही हम 84 गज पे जाते हैं? 84 गज पे अगर आप 7A में आ जाते हैं तो इस पर भी मुख्तलिफ है। पुराने पे चले जाएंगे तो 40 से 45 लाख रुपए का भी मिल जाता है और न्यू पे जाएंगे 6 मीटर गली के रेट हैं। न्यू पे अगर आप चले जाते हैं तो न्यू पे आपको कोई मिलेगा 60 लाख का भी, कोई 65 लाख का भी, तो ये रेट। और यही अगर हम 12 मीटर पर आ जाएँ? 12 मीटर पर आ जाते हैं। 12 मीटर पर अगर आप 64 गज के ऊपर डबल पे आ जाते हैं तो 64 गज के डबल मकान का आपको मिल जाएगा कंपनी वाला कोई, ये अगर 32 का मिल रहा है तो वो 38 का भी मिल सकता है और 40 का भी मिल सकता है और इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। ये है लोकेशन के ऊपर, जैसी जैसी लोकेशन होगी वैसा मकान आपको मिल सकता है। और यही अगर आप न्यू 0 मीटर पे आ जाते हैं 64 गज पे 12 मीटर पे तो ये आपको कोई मिलेगा 0 मीटर मकान कम से कम 60 से 65 लाख रुपये का 12 मीटर रोड पे। और यही अगर आप 84 गज पे आ जाते हैं 12 मीटर रोड के ऊपर तो ये आपको कोई मिलेगा 70 से 75 लाख रुपए के अंदर। ये भी लोकेशन के ऊपर है, कोई अच्छा 12 मीटर होता है और कोई ऐसा होता है थोड़ा लो में आ जाता है, तो ये लोकेशन के ऊपर होता है सारा। और अगर 120 पे आते हैं? 120 पे अगर आप आ जाते हैं तो 120 पे भी मुख्तलिफ है। स्टार्टिंग में ले लेंगे तो वो आपको 38 का भी मिल जाएगा, 40 का भी मिल जाएगा और इससे कम में भी मिल जाएगा प्लाट, ओपन प्लाट जिसे बोलते हैं, खाली ज़मीन जी। और न्यू कंस्ट्रक्शन पे फुल RCC के ऊपर न्यू मकान वो अगर आपको लेंगे तो वो कम से कम 75 का भी मिलेगा, 80 का भी मिलेगा और 85 का भी मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ फैसिलिटीज़ क्या क्या मौजूद है? इसके अलावा यहाँ फैसिलिटीज़ तो सब चीज़ों की है, यहाँ पानी है, बिजली है, गैस है, सब चीज़ें कन्वेंस है, करीब बाज़ार है, हर चीज़ ही है, कोई ऐसा मसला वाली इशू नहीं है। मैंने सुना है कि इस सेक्टर के अंदर इमाम बारगाह भी है? जी, 7A के अंदर एक इमाम बारगाह है, बिल्कुल है। वो तमाम सेक्टर के अंदर नहीं है? तमाम सेक्टर में नहीं है, 7A के अंदर है फिलहाल। इसके अलावा बाज़ार भी इसका जो है वो? इसके अलावा बाज़ार भी है 7A के अंदर, मेन मार्केट 7A की कहलाती है, जो बड़ी मार्केट होती है कपड़ा का, जो सब सेक्टर सबसे वो मार्केट के हिसाब से हाई पे सबसे ऊपर है। और अगर आप रिहाइश के हिसाब से आ जाते हैं और अच्छी जैसे एरिया वाइज लुकिंग वाइज अच्छा एरिया पे अगर आते हैं तो वो आप 7B चॉइस करें। 7B के अंदर क्या प्राइसेस हैं? 7B में भी प्राइसेस लगभग सेम ही है, बस 19-20 फ़र्क आएगा लाख। हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है पर ये है कि ये फैमिली के हिसाब से अगर आप अपनी खुद की रिहाइश करना चाहते हैं, एक होता है कि कारोबारी दिमाग होता है, कारोबार के हिसाब से अगर आप सोचते हो 7A की तरफ जाएं और वो 7A में भी मार्केट वाली पट्टी के ऊपर जाएं आप। और वैसे अगर आप रिहाइश के लिए सोचते हैं तो 7B बेस्ट सेक्टर है, 7B से समझे 7C भी 19-20 कंपेयर हो जाता है पर 7B बेस्ट है। और 7C के भी यही रेट है सेम, और B के 19-20 फ़र्क है, B ऊपर है। ये है कि इसके अलावा कमर्शियल पे हमारे पास फ्लैट भी पड़े हुए हैं कुछ, किसी को अगर फ्लैट चाहिए होंगे
तो हम इंशाल्लाह 7C में पड़े हुए हैं, हमारे पास 7C में फ्लैट पड़े हुए हैं हमारे पास, रोड फेसिंग के भी हैं और बैक के भी हैं, 1-बेड लॉन्च भी हैं और 2-बेड लॉन्च भी हैं। अच्छा फाद भाई, इंस्टॉलमेंट वगैरह का कोई प्लान? इंस्टॉलमेंट पे हम आपको शॉप दे देंगे। अच्छा, और कोई अगर आपके रेफरेंस से आ जाता है तो उसको हम फ्लैट भी कोशिश करेंगे दे देंगे इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी। मकान नहीं होते इंस्टॉलमेंट पे, क्योंकि मकान फुल पेमेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह। फ्लैट की हम कोशिश कर लेंगे आपके लिए, वैसे हमारा फुल पेमेंट का काम है, फिर भी आपके रेफरेंस से अगर कोई आता तो उसके लिए हम इंस्टॉलमेंट पे भी कुछ ना कुछ निकाल के देंगे। आप भाई इसके अलावा अपना नंबर और शॉप का एड्रेस भी बता दीजिएगा। इसके अलावा मेरे शॉप का एड्रेस है मलाइका स्टेट एजेंसी, मेन टंकी स्टॉप, वेस्ट ओपन मकान है, SR 10, Sector 7C। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03112206736। फहद नाम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। दिखाओ। तो व्यूअर्स, आपने सुना, ये देखें कॉलेज रोड और आगे चल के इसी सेक्टर की अपनी मस्जिद, राइट साइड पे ये मस्जिद है, और इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो आगे चल के इसी सेक्टर का अपना बाज़ार, जी अपना बाज़ार, जैसा कि भाई ने आपको, फाद भाई ने बताया कि सेक्टर के अंदर 4 सेक्टर हैं, A, B, C और D, लेकिन सबसे बड़ा बाज़ार जो है वो 7A का है, जहां आपको तमाम ज़िंदगी की सहूलियात मिल जाएंगी, कपड़े, क्रॉकरी, इसके अलावा तमाम चीज़ें इस सेक्टर के अंदर मौजूद हैं। तो आगे चलते हैं, आगे चलकर एक और मस्जिद का आपको व्यू दिखाते हैं। जैसे कि ये आप ये देखें कि रोड कितने कुशादा हैं इसके, ये 12 मीटर रोड के ऊपर है। जैसा कि आप चल रहे हैं, ये मस्जिद आ गई और यहाँ मेरी वीडियो होती है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।